जिसके डांस मूव्स को देखकर हर कोई रह जाते हैं दंग। लोग कहते हैं वो लड़की है या रबर की डोल, इनकी अदाओं का हर कोई हो जाता है दीवाना। लेकिन वो दीवानी है भोलेनाथ की, जिनकी हम बात कर रहे हैं। वो है आपकी फेवरेट डांसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, एक्टर तनु रावत। तनु रावत आज सोशल मीडिया पे बहुत तेजी से फेमस हो रही है। उनके फेमस होने की एक बहुत ही ज़्यादा खास वजह उनके माथे का तिलक। लोग इनके माथे का तिलक और शिव के प्रति उनका प्यार देखकर ये सोचते हैं कि आखिर एक आम लड़की कैसे इतनी छोटी सी उम्र में तगड़ी शिव भक्त बनी। तो रुक जाइए, आज के इस वीडियो में हम उनकी लाइफ से जुड़े वो सारे अनसुने राज जानेंगे जिनको आप नहीं जानते होंगे, और जानेंगे इनकी अनोखी सी लाइफ स्टोरी, और साथ ही साथ ये जानेंगे कि कैसे एक आम लड़की बनी तगड़ी शिव भक्त। तो ये वीडियो होने वाली है बहुत ही ज़्यादा रियल और इंटरेस्टिंग। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, और आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे वाले सब्सक्राइब बटन को दबाकर बगल वाले आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा। हमारे साथ जुड़ी हुई हमारी फैमिली बहुत ज़्यादा खुश रहती है हमारी वीडियो से, क्योंकि हम उनके लिए लाते हैं रियल इन्फॉर्मेशन। तो चलिए देर ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 31 दिसंबर 2000 को उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक लड़की का जन्म हुआ, जिसे आज आप तनु रावत के नाम से जानते हैं। तनु रावत की फैमिली में इनकी मम्मी, इनके पापा और इनकी एक बड़ी बहन अंजलि रावत है। तनु अपनी फैमिली में छोटी होने के कारण हमेशा लाडली रही है। तनु ने अपनी स्कूलिंग ऋषिकेश के प्राइवेट स्कूल से किया है, इस टाइम ये ग्रेजुएशन कर रही है। तनु को बचपन से ही डांस का बहुत ज़्यादा शौक था, वो बचपन से ही डांस की वीडियो देखा करती थी और हमेशा डांस किया करती थी। वो बिना सीखे ही बहुत अच्छा डांस करती थी, स्कूल के हर कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करती थी और जीत भी जाती थी। इसकी वजह से तनु के मम्मी पापा को यही लगा कि तनु को डांस सिखाया जाए, और उन्होंने तनु को डांस सिखाया भी। तनु के डांस टीचर का नाम शुभम है। तनु जितना बेहतरीन डांस करती है उतना ही बेहतरीन योगा भी करती है। वो बहुत ज़्यादा फिटनेस फ्री हैं और वो बहुत ही अच्छा योगा भी करती है, और हमेशा उनकी वीडियो में योगा के मूव्स दिख जाते हैं, और वो हमेशा पिक्चर्स भी योगा की डाला करती है। तनु ऋषिकेश में मिस GDD सीनियर भी रह चुकी है। तनु बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, लेकिन उनकी किस्मत एक जगह बिल्कुल साथ नहीं है। तनु डांस रियलिटी शो में ऑडिशन तो देती रही, लेकिन उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा हताश हो गई। मस्ती करने की उम्र में हमें मंजिल की बेताबी है, अजी मस्ती की उम्र में हमें मंजिल की बेताबी है, मुझे किसी से मिलने में दिलचस्पी नहीं, मेरी खुद से मुलाकात काफी है। लेकिन 2018 की बात है, जब टिकटॉक में लोग बहुत तेजी से फेमस हो रहे थे, तो तनु को भी लगा चलो मैं भी टिकटॉक पे डांस की वीडियो डालती हूँ, मेरे टैलेंट को लोग शायद पसंद करेंगे। फिर इन्होंने टिकटॉक पे डांस की वीडियो डालना स्टार्ट कर दी, साथ ही लिपसिंग की वीडियो भी डाला करती थी और डांस की वीडियो भी डालती थी। बहुत ज़्यादा वीडियो डालने के बाद और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी इनकी वीडियो वायरल नहीं हो रही थी। ये लगातार मेहनत करती रही, लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं मिल रहे थे, बहुत ज़्यादा हताश हो गई थी। इन्होंने सोचा मैं महादेव को इतना ज़्यादा मानती हूँ, लेकिन महादेव तो मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहे कि मेरी वीडियो वायरल हो जाए और मैं डांस के फील्ड में कुछ कर पाऊँ। लेकिन इनकी मम्मी ने इनको बहुत ज़्यादा समझाया, जिसकी वजह से ये फिर से वीडियो डालने लगी। इन्होंने एक बार वीडियो महादेव के सॉन्ग पे डाला और ये वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो गया। उन्होंने इसे महादेव की कृपा समझी। इसके बाद तनु ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और इनकी वीडियो वायरल होती गई, और सबसे ज्यादा लोगों को इनके माथे का तिलक अट्रैक्ट करने लगा। ये जिस तरीके से महादेव के साथ वीडियो बनाती थी और महादेव के सॉन्ग पे वीडियो बनाती थी, लोगों को बहुत ज्यादा अच्छा लगता था। लोग इन्हें शिव भक्त तनु रावत बुलाने लगे। फिर क्या था, तनु की लगातार वीडियो वायरल होती गई और इन्होंने टिकटॉक पे बहुत जल्दी 1 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया, लेकिन टिकटॉक बैन हो गया था। लेकिन तनु वहाँ रुकी नहीं, फिर उन्होंने रील्स पे वीडियो बनाना स्टार्ट किया। और तनु बहुत ज़्यादा टैलेंटेड तो थी ही, लेकिन रील्स पे लोग वीडियो इसलिए पसंद करते थे क्योंकि लोगों को इनके माथे का तिलक बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था, और जिस एटीट्यूड में ये डायलॉग डिलीवरी करती थी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आता था, और ये एक बहुत अच्छी डांसर तो थी ही। तनु लगातार बहुत ज़्यादा फेमस होती गई
और आज इनके इंस्टाग्राम पे 1.7 मिलियन फॉलोवर्स हो गए हैं और इनका एक चैनल है जिस पे ये अपने ब्लॉग डाला करती हैं। यूट्यूब पे इनके बहुत जल्दी 100 के सब्सक्राइब होने वाले हैं। तनु को हॉर्स राइडिंग करना बहुत ज्यादा पसंद है, वो बेहतरीन हॉर्स राइडर भी है। आज ये जितनी भी सक्सेसफुल है उसका सारा का सारा श्रेय ये माँ और महादेव को देती है। ये महादेव को बहुत ज्यादा मानती है। ये कहती है कि आज महादेव नहीं होते तो मैं इतनी ज्यादा सक्सेस नहीं होती। यही कारण है कि तनु महादेव को बहुत ज्यादा मानती है। तनु बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एक्ट्रेस भी हैं। तनु ने लाइफ लाइन, रेशम की डोर, यंग एज, रहने दो, भोलेनाथ जैसे एल्बम सॉन्ग किए हैं जिसमें इन्होंने बहुत उम्दा एक्टिंग की है। ये थी छोटी सी लाइव स्टोरी तनु रावत की। अगर आप तनु रावत के बारे में कुछ और भी जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक और एक शेयर। अगर आपने वीडियो देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। चलिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।